दिए तो नहीं, लेकिन चीजा के लिए रख दिए, मैं चला तो पता नहीं अंकल को यही बाइक पसंद है। माय YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, तो होपफुली आप भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या पहन रखा है, तो ये रेन कोट है गाइस, क्योंकि आज कल भी बारिश हो रही थी, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो यार, कल तो हमने पूरा व्लॉग घर में ही शूट किया था, तो आज तो बाहर जाना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है यार, विक्की की ना बाइक की डिलीवरी आज ही मिलने वाली है। शोरूम से उसे फ़ोन आया था कि बाइक अवेलेबल है तो वो ले जा सकता है। तो गाइस, विक्की के बाइक की डिलीवरी भी लेने जानी पड़ेगी। और सर गाइस, ऐसे घर में नहीं बैठ सकते यार, एक ब्लॉगर की ज़िंदगी काफ़ी कठिनाइयों से भरी होती है, तो हमें तो जाना पड़ेगा। सो और बाइक से ही जाना वो यार, क्योंकि हमारे पास तो कार नहीं है ना। मैं गरीब हूँ। कोई नहीं गाइस, दुखी होने वाली बात नहीं है, अभी नहीं है तो क्या हुआ, इन फ्यूचर तो होगी। सो गाइस, बारिश यार काफ़ी तेज तो नहीं हो रही, लेकिन यार दिखाता हूँ आपको कैसे बारिश हो रही है। और निकालता हूँ मैं अपने चेतक को और फिर चलते हैं। और गाइस, बाइक में मैं वो हेलमेट में कैमरा माउंट नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन अपना, क्योंकि बारिश हो रही है, फिर नहीं हो पाएगा, तो सीधा विक्की घर पे ही मिलूँगा आपसे। तो गाइस, निकलते हैं हम यहाँ से। देख सकते हैं क्या आदत हो गई है, और मैं ये रेनकोट मेरा लिखा है पापा का था, तो साइज में थोड़ा बड़ा है, जो भी था जैसे भी पहन के आना पड़ा, क्योंकि यार ब्लॉगर्स की ज़िंदगी काफ़ी खतरनाक होती है, उनको सर्वाइव करना पड़ता है सिचुएशन में। हाँ हाँ, सो गाइस अभी चलते हैं विक्की, सबसे पहले विक्की है। सो फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत ही कमाल की बात पता चली है। सो मैंने अभी रेनकोट पहना था ना गाइस, तो मुझे मैं हल्का सा भी गीला नहीं हुआ। तो गाइस, आप भी अगर बारिश में झाड़ी हो तो आप रेनकोट पहन सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। विक्की ने पैसे मार लिए अपने घर से और अब चलते हैं। कितने मारे? 80,000। कितने? 80,000। बाकी रास्ते में मारेगा। सो गाइस, सब चलते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए आप लोग मुझे तो देख। यही चला यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ, चल। और ये विक्की की बाइक यहाँ पे खड़ी है, अभी गोदाम में खड़ी है, अभी बाहर निकलते हैं, फिर इसकी डिलीवरी होगी। का तो पता नहीं अंकल को यही बाइक पसंद है, देखते हैं। और इसको ये बाइक स्कूटी पसंद आ गई गाइस। सो गाइस, विक्की की बाइक हो गई है रेडी, एग्जॉस्ट साउंड भी इसका काफ़ी अच्छा है, कम मीटर कंसोल। ये वाला हेलमेट है, दूसरा नहीं मिल सकता? ओपन वाला नहीं है, खुला हुआ? हाँ। बारिश पूरी बाइक हो गई है रेडी और बारिश अब हो गई यहाँ पे कम, और अब हम निकलते हैं। पूरा पानी लग रखा है यार। गाड़ी लेने का धनतेरस का प्लान था, लेकिन अभी अवेलेबल हो गई, तो अभी हमने ले लिया बाइक और निकलते हैं अब यहाँ से, और फिर पूजा वूजा करवाते हैं इसकी। तो गाइस, मुझे ही विक्की की बाइक चला के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि विक्की को अभी स्टार्टिंग में लग रहा है थोड़ा डर, क्योंकि उसने नॉर्मल बाइक ही चलाई है, तो उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम ही ले चलते हैं। विक्की बाद में अपने गली वगैरह में चला के देखेगा, तो विक्की पीछे अपने पापा पापा के साथ आएगा गाड़ी में, तो हम ड्राइव करके ले जा रहे हैं उसकी बाइक। तो गाइस, लेट्स गो। कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक तरह से टेस्ट ड्राइव हो गई है बाइक की, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, पावर काफ़ी ज़्यादा है बाइक में। सो अभी बारिश भी हो रही थी, तो इसकी ग्रिप वगैरह भी देख लिए मैंने, ब्रेकिंग वगैरह सही है, सब सही है। बाकी विक्की ने अभी चलाई नहीं है,
तो गाइस विक्की ने इससे पहले जो बाइक चलाई थी नॉर्मल बाइक ही चलाई थी, ये थोड़ी स्पोर्ट्स में आ जाती है। तो अब गली में अपनी गली में चलाएगा या फिर मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा मतलब हाथ बैठ गए उसके बाद रोड पे चलाएगा। तो अभी पंडित जी आ गए हैं, पूजा करवाते हैं बाइक की और फिर चलते हैं घर। सो गाइस विक्की का फेस देख सकते हो कितना खुश है, लेकिन अब देखना तो गाइस अच्छी बात है, बाइक के लिए सबको प्यार रहता है। विक्की की पहली बाइक है। सो हाँ चला आराम से, एक्सीलेटर क्या ज़्यादा लग, क्लच कम छोड़, पहला गियर बस। बाइक चलाना सीख चुका है, ये तो नहीं लेकिन लग नहीं रखी है, मैं चला लूंगा। अबे कुछ नहीं भाई, आदत हो जाएगी। बहुत भारी बाइक है, 160 है ना, 100। अरे मैं अजीब तो नहीं लग रहा हेलमेट? बाइक किसी दिन रेस करेंगे इसका और इसका, दोनों बाइकों के बीच में रेस होगी एक, जो कि मैं ही जीतूंगा। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:55 और विक्की अभी पहले पेट्रोल डलवा रहा है बाइक में। यार शोरूम वाले ज़्यादा पेट्रोल देते नहीं हैं, तो स्टार्टिंग में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, तो पेट्रोल डलवा रहा है, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अब जाके मैं घर आया हूँ और अब खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय। कुत्ते के सोने के लिए हम आराम से सो सकते हैं इस पर, इतनी सेवा तो यार कोई। हमने ये रिबन हटाने के लिए कहा इसे कि आगे वाला तो हटा दें, तो उसको ढक दिया भाई, दोबारा हट गया ये। पोछा लगाते हैं इसके ऊपर भाई को। ठीक है, ये देखो देखो ये रिबन को देखो दोबारा ढक रहा है। कोशिश तो